माय बाप आज या ठिकाणी गुरु पौर्णिमेचा पावन उत्सव होतोय. भारतीय संस्कृतीमध्ये अनेक विदुषी स्त्रिया होऊन गेलेल्या आहेत, संत होऊन गेलेल्या आहेत, ज्यांनी समाजातल्या प्रत्येक संघर्षाला तोंड दिलेलं आहे. ती प्रदान त्यांच्यामध्ये आहे, विविध उपासना त्यांनी केलेल्या आहेत आणि म्हणूनच एक खरा मोती या ठिकाणी सापडलेला आहे आणि आनंद आखाड्यामध्ये आज त्यांचा प्रवेश झाला म्हणजेच त्यांच्या जीवनात आनंद आहे. आज त्यांना पदानं विभूषित केल्या जातंय, आखाड्याकडून त्यांना एक सन्मान पत्र दिल्या जातंय. स्त्रीला जेव्हा इतकं मोठं स्थान दिलं जात तर तिला आनंद पहिल्यांदा हा जन्म मानवता
सवरेश लक्षणातून अत्यंत पुण्य कर्म करत मानव देह प्राप्त होतो आणि तो मानव देह मोक्ष प्राप्तीला नेण्यासाठी एक आपल्याला मोठं रस्ता लागतो, ब्रिज लागतो, वाटाडा लागतो आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे सद्गुरूचा मुकुट लागत असतो आशीर्वादाच्या रूपाने. स्वयं शंकर जी ने कहा था कि रावण के सरकार जो मेरा कोई भक्त है नहीं है उनको भी अहंकार आया. तो इस जीवन में सृष्टि पे जब जन्म हुआ है और इस जन्म में हम कृतार्थ जो होना है तो अपने आत्म स्वरूप को जानना ये जरूरी है. निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गुरु के बाद ईश्वर का नाम लिया जाता है ये स्पष्ट है. गुरु फिर गणपति, पहले गुरु. अज्ञान से जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु. आज गुरु पूर्णिमा का पुण्य तिथि है, इतना पावन दिन है. शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, बहुत सी चीजों को हम शब्दों में नहीं बता सकते. गुरु की महिमा शब्दों में नहीं बखान की जा सकती. इसके लिए हम कितने ही ग्रंथ लिख दें तो भी कम है. जिन्होंने ये ज्योत जला रखी है वो है सागरानंद सरस्वती महाराज, जो स्वयं आनंद के सागर है. उनके साथ ही सागर आनंद है, जो उनके सानिध्य में आ जाता है, जो उनकी छाया में आ जाता है, उसको आनंद ही आनंद की प्राप्ति है. कहते हैं कि जो सच होता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती और यहाँ किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है. मेरी दीक्षा गुरु बाबा नागनाथ योगेश्वर जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी और आदेश किया था कि जो भी शिक्षा उनके द्वारा प्राप्त हुई है उसको पूरे जगत में फैलाना है. जो ज्ञान रूपी रश्मियां उन्होंने मुझ पर बिखेरी उन्हें सभी तक पहुंचाना है. आप सब मुझ पर आशीर्वाद मुझे प्रदान करें कि ये सब त्रुटियां मैं इसी जन्म में दूर करके ईश्वर का जो संदेश है, गुरु का जो संदेश है, हर जगह पहुंचा पाऊं. हर हर महादेव. ओम नमो नारायण. सर्वांनी पायातली पादत्राणे काढून ठेवायची आणि उभं राहायचं बसायला नको. हॅलो पुरुषोदय मगदावी प्रसारुपणी जी खराची गणपती साधो तया मातंगीतापैना ते सर्वाही सदा सज्जना सुयरेदु. Thank you.